Hey guys, so I hope you are doing well. So, इस वीडियो अपन बात करेंगे सीएससी आईओटी के कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या है और कितने सेट पढ़ते हैं. तो चलिए चलते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं. सीएससी का लगभग सारा मैं कवर कर चुका हूँ सिलेबस. सिंपल सीएससी, डेटा साइंस, AI ML, साइबर सिक्योरिटी और ये हो रहा है हमारा आईओटी. आईओटी मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इसका भी काफी अच्छा स्कोप है लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे आज इस वीडियो में. तो मैंने जो सिलेबस उठाया हुआ है वो क्या है, JNTU हैदराबाद का सिलेबस है. तो आपके कॉलेज का सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है, राइट. तो हमारे पास इस सिलेबस से आप देख सकते हैं, चारों साल का मेरे पास सिलेबस है और एक एक करके मैं बात करूंगा, डिफिकल्ट से ही बताऊंगा. तो पहला सब्जेक्ट पहला आपके पास आ चुका है फर्स्ट सेमेस्टर, मैट्रिक्स एंड कैलकुलस, अप्लाइड फिजिक्स, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, इंग्लिश फॉर स्किल एनहांसमेंट, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, राइट. तो इनमें से आप बताओगे कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है. इनमें से कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, आराम से निकल जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड वेक्टर कैलकुलस. इस मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये वाले मैथ्स में इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा मैट्रिसेस में, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए. इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये काफी अच्छा सब्जेक्ट है. बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स और IT वर्कशॉप्स, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सारे आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. अगर डिफिकल्ट की बात करोगे तो सिर्फ ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में पावर BI सारे अच्छे हैं, पावर BI या फिर डेटा विजुलाइजेशन आर प्रोग्रामिंग. तो मेरे हिसाब से पावर BI बेटर रहता है, इसका काफी बड़ा एक फील्ड है, इसमें लोग जॉब करते हैं. और इनमें से सबसे और एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है आपका, डेटा स्ट्रक्चर. एंड डेटा स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट, DSA, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया आपका, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर आएगा हमारे पास. कंप्यूटर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर मेथड्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, सेंसर्स डिवाइसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, IoT का ही पार्ट है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू जावा, कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी IoT का पार्ट है, राइट. इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है बेसिकली, आप कोई भी स्मार्ट डिवाइसेस को इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं और इसका मार्केट में काफी अच्छा डिमांड है. लोग नहीं है प्रोफेशनल, बढ़िया प्रोफेशनल मार्केट में, इंडियन मार्केट में कमी है इसकी, बहुत ज्यादा कमी है. फिर आता है स्किल डेवलपमेंट कोर्स, नोड JS, रिएक्ट JS एंड डीजांगो. आपका आ गया थर्ड, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर आ गया, ऑटोमेटा थ्योरी, कंपाइलर डिजाइनिंग, ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, माइक्रो प्रोसेसर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एवरेज है, P1 क्या है मैं आपको बताऊंगा. एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्स UI डिजाइन एंड जिसमें आ गया फ्लटर, मतलब ये आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट का ही पार्ट है. नेक्स्ट हमारे पास IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आ गया आपका, कोर IoT का सब्जेक्ट है. कंप्यूटर विजन रोबोटिक्स, से भी IoT का सब्जेक्ट है, उसका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फॉर आई ये भी आपका IoT का सब्जेक्ट है, P2 एंड OE1. लास्ट में एनवायरमेंटल साइंस, अच्छा है, सब सारे ब्रांच में एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाया जा रहा है आजकल, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. IoT क्लाउड प्रोसेसिंग एनालिटिक्स, IoT सिक्योरिटी प्रॉपर्टी 3, PV4 एंड ओपन इलेक्टिव आपका हो गया 2. फिर हमारा क्या आ गया, लास्ट आ गया हमारे पास, लास्ट लास्ट जो आपका सेमेस्टर होता है वो काफी स्कोरिंग होता है. थर्ड सेमेस्टर के बाद जो होता है आपका इंटर्नशिप होता है 2-3 महीने का, फिर यहाँ पर आके सेमिनार देना पड़ता है. यहाँ पर सेमिनार क्यों मिसिंग है मुझे पता नहीं. और 7th सेमेस्टर में क्या करना पड़ता है, एक माइनर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है. और 8th सेमेस्टर में क्या करना पड़ता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है. और यहाँ पर 3 सेट है, यहाँ पर एक और 3 में से 1 कम से कम का मैनेजमेंट सेट होगा, ओपन इलेक्टिव मैनेजमेंट में आता है इन जनरल. तो PE1 में क्या क्या हमारे पास है, आर्किटेक्चर स्मार्ट IoT डिवाइसेस, आर्किटेक्चिंग स्मार्ट IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स फॉर IoT, IoT सिस्टम आर्किटेक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर IoT, एल्गोरिथम डिजाइन एनालिसिस. ये 5 सेट में से 1 सेट आप पढ़ेंगे, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है. अगेन आपका PE2 में भी 5 सब्जेक्ट आपके पास है, 5 सेट में से 1 सेट पढ़ोगे. और मेरे हिसाब से इनमें से डेटा एनालिटिक्स फॉर IoT आपके, ये इन जनरल आपसे पढ़ाया जाएगा, बाकी अब डिपेंड करता है आप कौन सा कॉलेज है ये पढ़ाना चाहिए. इसमें से आपका पढ़ाया जाएगा शायद रियल टाइम सिस्टम पढ़ाया जाए आपको, बिकॉज IoT के साथ कनेक्शन इसका है. P3 में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, IoT, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइट वेट, ये पढ़ाया जाएगा आपको इन जनरल, अगर IoT का अच्छा खासा ब्रांच अगर चूज करा जाए तो.
आईओटी ऑटोमेशन आपको यहाँ पर पढ़ा जाएगा, या फिर हाँ यही पढ़ा, या फिर वायरलेस नेटवर्क से पढ़ा जा सकता है आपको पी फोर में, P5 एम्बेडेड डिजाइन एंड 5G IoT टेक्नोलॉजीज कंटिन्यूइंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एस कंप्यूटिंग, ये आपको 5G एंड IoT टेक्नोलॉजीज पढ़ाया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग है आने वाला है इंडिया में, तो डेफिनेटली पढ़ा जाएगा। P6 में IoT इंडस्ट्रियल IoT फॉग कंप्यूटिंग स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी डिजिटल फोरेंसिक्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो आपको इंडस्ट्रियल IoT पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो डिफिकल्ट से इतना नहीं है, जो बताया मैंने 4-5 से डिफिकल्ट होते हैं वो हर ब्रांच में होते हैं। नेक्स्ट है जो बात करने वाला हूँ, टोटल सेट कितने होंगे आपका, 40 से 44 का सब्जेक्ट होंगे, 42-44 इन जनरल होते हैं आपका सेट पढ़ेंगे आप, और लैब्स कितना पढ़ेंगे, लगभग 20 से 24 लैब्स पढ़ेंगे, दो प्रोजेक्ट होगा, एक ट्रेनिंग होगा, एक सेमिनार होगा, उसका जो आपका इंटर्नशिप होगा, ये पूरा कहानी है आपका किसका, CSC IoT का, अगले कौन सा सब्जेक्ट बनाऊँ बताइएगा, और मैं कॉलेज रिव्यू करने वाला हूँ आगे जाके। थैंक यू वेरी मच।